एक तो रास्ता बनाने के लिए पूरा जोरों शोरों से काम चल रहा है। इधर देख सकते हो, ये है रास्ता, यहाँ जो टूटा हुआ था ना, ये देखो, उधर देखो, उधर पूरा टूटा हुआ है ना। आज है मेरे घर से निकले हुए 38 नंबर दिन, एक महीना 8 दिन हो चुका है मेरे घर से निकले हुए। ये है माता पार्वती और शिव भगवान, यहाँ पर ही माता पार्वती और शिव भगवान का शादी हुआ। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ही हुआ था हमारे माता पार्वती और शिव भगवान का फेर लिया था, यहाँ पर शादी हुआ था। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम फाटा। सो आज मैं यहाँ से फाइनली निकलने वाला हूँ क्योंकि मेरा कल दर्शन हो चुका है। सो आज मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। और ये देख सकते हो भैया जी, भैया जी आज तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। एक आदमी आप यहीं ठहर लेते नहीं, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। आप नहीं होते तो मैं आज दर्शन नहीं कर पाता। आपको मुझे बाबा ने मतलब आपसे मिला दिया ना दर्शन करने के लिए। और इधर देख सकते हो भाई लोग, अभी तो मैं खाऊंगा पराठा और पराठा खा के भैया लोग भी चाय पी रहे हैं, अभी तो मैं पराठा खा के निकलूंगा। और मेरे साइकिल देख सकते हो, मैं इधर ही खड़ा था बट पीछे का हवा चला गया है, वो आगे दुकान है उस पर भरा लूँगा, वो कोई नहीं। और इसका जो पंचर है ना, वो भी लगवाना पड़ेगा, अगर साइकिल का दुकान मिला तो पंचर भी लगवा लूँगा। ये देखो आ चुका है मेरा पराठा, अभी तो मैं खाऊँगा और निकलूँगा यहाँ से। मैं निकल चुका हूँ भैया के उधर से, अभी मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल क्योंकि मेरे पीछे का जो चक्का है ना साइकिल का, उस पर हवा नहीं है, इसके कारण हवा नहीं है मतलब पंचर हो गया इसके कारण। और कल था सोमवार का दिन और कल था कृष्ण जन्माष्टमी, मुझे तो पता ही नहीं चला क्योंकि मैं तो इतना स्ट्रेस पे था, कब दर्शन होगा बोल के मुझे पता ही नहीं था। और इतने अच्छे दिन पे मेरा दर्शन हो गया साक्षात महादेव का, मैं क्या ही बताऊँ। सो मतलब मुझे महादेव इतना मानते हैं ना, वो मुझे पता चल गया भाई, महादेव मुझे दिल से मानते हैं, ये तो मुझे पूरा एकदम पता चल गया यार, मेरे साथ महादेव थे ये पूरा मैं मानता हूँ। मतलब मुझे पता है वो, मैं जब आंखें बंद करता हूँ ना तो मेरे साथ होते हैं अभी, वो मुझे पूरा पता है भाई अभी। और अभी देख सकते हो मैंने सामान कुछ नहीं लिया, अभी मैं टायर पंचर है इसके कारण। और मैं जब आ रहा था ना तो सामान लोड करने के लिए साइकिल पे आ रहा था, तो भैया बोले कि उधर जा रहे हो तो फिर सामान नहीं लेके जाओ, पहले घूम के आ जाओ, उसके बाद जाते टाइम सामान लेके जाना। और मैंने भी हाँ बोल दिया क्योंकि मेरा टायर पंचर है, अभी सामान लोड करूँगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसके कारण, दुकान मिल गया। सो इधर से हवा भराते हैं और चलते हैं। भैया तो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे, इतना प्यार दे रहे, क्या बताऊँ। मतलब खाना खा रहा हूँ ना, खाना खाने भी मतलब आपका जो मन करे वो दे दो बोल के, तो मैं दे देता हूँ, मैं तो पूरा पेमेंट कर देता हूँ क्योंकि इतना अच्छे से रख रहे हैं, मुझे रहने के लिए जगह दे रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए इसके कारण। भैया तो मतलब भैया ने मेरा दिल जीत लिया यार, आज भैया की इधर नहीं रहता ना तो मैं दर्शन नहीं कर पाता, सच में बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से पास में था इसके कारण मैं बार बार जा पा रहा था ना। सो फाइनली हवा भी भरा लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन साइकिल का मेरा बैलेंस नहीं मिल रहा है क्योंकि पीछे पूरा लोड रहता है ना और अभी लोड नहीं है, तो बैलेंस नहीं मिल रहा है मेरा साइकिल का, पूरा ऐसे से हिल रहा है साइकिल, पूरा लोड से चलाता हूँ ना और अभी तो लोड नहीं है इसके कारण। अरे मेरा चेन गिर गया, पूरा साइकिल गंदा हुआ है। आज मौसम साफ है और इतना नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा है ना, क्या ही बताओ यार। दो दिन से मौसम साफ हो गया ना तो नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा है और रास्ता भी पूरा अभी तो चकाचक है। वो वाला देखो ना आप लोग एक बार नजारा व्यू, अभी तो मैं हेवन में, हेवन। देखो भाई जहां पर हमारी भगवान की शादी हुई है वहां पर मैं जा रहा हूँ, मेरे फेवरेट भगवान महादेव, देवों के देव महादेव। भाई मैं महादेव के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अरे महादेव अब तो मैं पूरा खुश हूँ यार। ये देखो पहाड़, अभी मैं हूँ पहाड़ पे, पर्वत पे, जितना भी कष्ट कर लू मुझे कुछ भी फील नहीं आएगा क्योंकि मुझे स्वर का दर्शन हो चुका है और मेरा सपना पूरा हो चुका है। और भी सपने हैं वो भी पूरे करूंगा, पंच केदार का मेरा सपना है, अभी तो एक केदार हो चुका है मेरा, अभी चार केदार बाकी है। ये देखो अभी मैं आ चुका हूँ प्यारा सा एक वाटरफॉल पे। ओ, ओ,
अभी तो ये सब पहाड़ मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पीछे लोड नहीं है ना, तो थोड़ा आराम आराम से चला पा रहा हूँ। ये देखो रास्ता, अकेला रास्ता ये आवारा, आहा, ये देखो आज का व्यू। इधर तो रास्ता खराब है, ये बारिश हुआ था ना तब तो बहुत खराब था, अभी तो मतलब बोल सकते हो कि काफी ठीक है। और ये रास्ते बहुत रिक्सी होते हैं, देख रहे हो ना, नीचे पूरा खाई होता है। लेकिन मेरे साथ तो महादेव है। हाँ, ये देखो इधर भी वाटरफॉल, उस रास्ते से सब मैं गया था ना। अभी मैं जा रहा हूँ सोनप्रयाग की तरफ, वहीं पे सोनप्रयाग से मेरा ट्रैकिंग चालू होगा। हाँ चलो, ओ भैया रास्ता बना रहे पूरा गाना सुनते सुनते। बढ़िया भैया, अभी तो काफी मतलब रास्ता चकाचक है, क्योंकि दो दिन से बारिश नहीं हुआ ना नीचे, इसके कारण। इधर देख सकते हो सारे गोरे भी इधर छोड़ दिए, उधर देखो सारे इधर आए, अभी जा ही नहीं रहे, खच्चर सारे छोड़ दिए। देख लो आप लोग एक बार नजारा, देख रहे हो, ओ भाई ऊपर देखो हेलीपैड, ओ भाई साहब उधर आ रहा है। कल मैं उसी पे गया था ना फाटा वाले पे, वो फाटा वाला है किधर इधर। देख सकते हो रास्ता बन रहा है, और उधर देखो किसी का दुकान उड़ा के नीचे लेके गया, देख रहे हो अभी उधर रास्ता बन रहा है। अभी मैं पहुंच चुका हूँ सोनप्रयाग पे, यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं और यहाँ से जो है ट्रैकिंग शुरू होता है। और वो देख सकते हो ना नदी, बहुत ही मतलब खराब मतलब सिचुएशन हो चुका है, वो देख सकते हो पूरा टूट चुका है। और इधर है देख सकते हो नेपाली धाई, कैसे हो धाई? मेरा नाम सचिन चौधरी, सरपुर नगर पालिका पंद्रह साल आई नेपाल से। मैं भी उदाउट मनी ट्रैवल कर रहा हूँ केदारनाथ के, काफी दिनों से यहाँ पे रह रहा, 5-6 दिन से मतलब। कितना दिन? कितना? 5-6 दिन से यहीं पे रह रहा। 5-6 दिन से मतलब घर से निकले हुए कितने दिन हो गए? घर से निकले हुए आज पूरे पूरे 27 दिन हो गए। देख सकते हो भाई अभी तक 27 दिन से इधर मतलब 5-6 दिन से इधर फंसे हुए। और इधर भाई ने अपना साइकिल रखा है, तो मैंने भी इधर साइकिल रख दिया है, और उधर भाई का टेंट है। अभी हम लोग जाएंगे ऊपर, ऊपर जाके त्रिवेणी नारायण मंदिर का दर्शन करेंगे। भाई ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, तो यहाँ से तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉन्टेक्ट किया था, बट मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाया। भाई ने मेल किया था तो भाई को मैंने रिप्लाई किया, थैंक यू सो मच। भाई से भी मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने को मिला, और भाई तो दर्शन नहीं कर पाए, भाई के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और इतना फीलिंग हो रहा है कि कब दर्शन होंगे, कब जाएंगे केदारनाथ, इतना दिनों से सपना था, 1 ईयर का पूरा सपना है, इसीलिए मैं यहाँ जब तक तक दर्शन नहीं करा तब तक रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न नहीं होना, नहीं होना। अंकल जी भी है वहाँ पे, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम के तरह का। आप भी मतलब पैदल कर रहे हो या फिर कैसे? साइकिल से। साइकिल से डिस्ट्रिक्ट इटावा यूपी। यूपी से हो? अच्छा, आज मेरे को 1 महीना 12 दिन। इधर कितना देर मतलब? 12-13 दिन। अभी तक दर्शन नहीं किया? गंगोत्री से आए। कल परसों ऐसे करके पुलिस वाला बता रहा, आज पूरे दिन कल पूरे समाचार आ गया था, पूरे दिन आज 11 तक तुम लोगों को बता। हाँ देखो, तो सोचो आप लोग इधर पैदल यात्रा शुरू नहीं हुआ है, जब शुरू होगा तब ही मतलब अभी मतलब शुरू होगा ना तो फिर से बंद हो सकता है, क्योंकि अभी बारिश होगा तो मलबा गिरेगा और रोड टूटेगा, इसके कारण अभी इधर थोड़े बहुत लोग हैं ना वो 4-5 दिन में शायद से 1-2 करके जा सकेंगे। लेकिन ऊपर नहीं भेज रहे लोगों को, क्योंकि उधर खाना नहीं है,
सारे होटल बंद है और खाना कहीं किसी तरह से नहीं जा रहा है। इसके कारण अभी जो यात्री जाएंगे वो क्या खाएंगे, है ना। जो हेलीकॉप्टर से यात्री जा रहे हैं उनके लिए भी खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी ये सब जाएंगे तो सरकार कहाँ से खाना देगा, और वहाँ पर खाना नहीं मिलेगा तो लोग खाना क्या खाएंगे। उधर सारे होटल बंद है, एक दो ही होटल खुले हैं। जो यात्रा है ना हेलीकॉप्टर से बाकी केदारनाथ तक का जो रास्ता है वही तक होटल खुला है, बाकी जो इधर पूरा नीचे का रास्ता है इस पर कोई भी होटल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और खाना भी नहीं मिलेगा इसके कारण। और ऊपर है ना, और ऊपर खाना पहुँच नहीं पा रहा है अभी, तो इसीलिए अभी यात्रा बंद करके रखा है। जब तक रास्ता नहीं बनेगा, जब तक खच्चर ऊपर नहीं चलेंगे, खाना नहीं जाएगा, तब तक शायद से यात्रा जो है चालू नहीं होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं और देख सकते हो रास्ता कुछ ऐसा है, और हम लोग उधर से नीचे से रास्ते से आगे है ऊपर, और 13 किलोमीटर का ट्रैक है। मैं तो सोच रहा था जल्दी जाऊँगा, बट 13 किलोमीटर है तो काफ़ी टाइम लगेगा पैदल। ऐसे साइकिल से तो शायद आ सकते थे, बट साइकिल से नहीं आया क्योंकि ये चराई है, तो सोचा कि साइकिल छोड़ दो, आज हम लोग पैदल जाते हैं ना। भाई भी है मेरे साथ। अभी हम लोगों को जाते जाते भूख लग गया, सो इधर हम लोगों ने पराठा मंगा लिया। सो अभी हम लोग मस्त खाएंगे पराठा, और पराठा खा के निकल जाएंगे। बाकी आज तो धूप है, और आशा करता हूँ कि कुछ दिनों तक धूप रहे ताकि भाई जो है दर्शन कर पाए, है ना भाई। हाँ ब्रो, यार बहुत परेशान हो चुका मैं तो क्या बताऊँ। साइकिल लेके आते तो ही अच्छा होता यार, रास्ता तो पूरा ऐसा है, इधर तो मैं आराम से साइकिल लेके जा सकता हूँ, या फिर ठहर के भी लेके जाएंगे ना तो आते टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, एक सेकंड में उतर सकते हैं। और उधर देख सकते हो केदारनाथ जाने का जो पैदल रास्ता है ना, उधर है, अभी तो शायद थोड़ा बहुत बन चुका है। हाँ बन चुका है थोड़ा बहुत, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जूम करके। देखो वो है रास्ता केदारनाथ जाने का, अभी तो शायद बन चुका है, लेकिन बारिश ना हो आप लोग बस यही दुआ करो, नहीं तो वो ऊपर का जो मलबा देख रहे हो ना वो गिर के फिर से ब्लॉक कर देगा। अभी देखो हम शॉर्टकट जा रहे हैं, ऐसे मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ, और देख सकते हो इधर से हम लोग आए और ऊपर तक जाएंगे उधर तक, तो काफ़ी मतलब शॉर्टकट हो जाएगा। इसके कारण मैंने बाइक को बोला चलो, इधर मेरा कांटा सूख चुका है भाई। अभी हम लोग जा रहे हैं, और रास्ता देख सकते हो कुछ ऐसा रास्ता है, बाकी मेन रोड भी है, और ये थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ता है, तो हम लोग इधर से जा रहे हैं। अभी हम लोग जाते जाते कुछ ऐसे रास्ते पे रुके, देख सकते हो पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल, और इधर बाई, और इधर ना अगर मैं कुछ बनाने का खाने का होता ना, यहाँ पर मैगी बना के खाते तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल फील आती यार। ऐसे पहाड़ों के बीच सोचो आप लोग एक बार मैगी बना के खा रहे हो, मेरे पास वो नहीं है, अगर होता तो भाई नेक्स्ट लेवल मजा आता पूरा। और ये देख सकते हो हमारे साथ ये डॉगी जो है ना कब से आ रहा है, देखो हम लोगों ने अभी चलना स्टार्ट कर दिया, ये भी चल रहा है हम लोगों के साथ, कब से आ रहा है। अभी हम लोग इधर रुक गए, और ये बेचारा कब से हम लोगों के साथ आ रहा है, तो मेरे पास बिस्कुट है इसको मैं दे दूंगा, कब से हम लोगों के साथ आ रहा है बेचारा। ये देखो खा रहा है कैसे, भूख लगा है इसको बहुत। देखो पानी वहाँ से आ रहा है ना झरना बन के, और इधर देखो नीचे जा रहा है, और इधर से निकल रहा है देखो पूरा पत्थर के नीचे से। ये देखो ये डॉगी तो हमारे साथ ही है। हाँ इधर देखो इतने भरे भरे, वो बाप रे बाप, ये देखो इतने भरे भरे है। देखो ये डॉगी है ना, ओ बाप रे बाप, इतने भरे भरे हैं। आप लोगों को कैमरे में छोटे दिख रहे होंगे लेकिन बहुत भरे हैं भाई। ये लोग डर रहा है ना, कुछ है उसके पास। इतना ठंडा ठंडा हवा आ रहा है इधर तुम, फाइनली 13 किलोमीटर चलने के बाद हम लोगों को मिल चुका है गेट, और अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं भाई। अभी तो मैं हूँ देवभूमि में, उत्तराखंड को बोला जाता है देवभूमि, और उसी देवभूमि पे मैं हूँ। ये तो हिमालयन है ना, और पहले तो भगवान शिव और माता पार्वती इधर ही रहते ना हिमालयन पे,
तो अभी मैं उसी जगह पे हूँ। वहाँ पर जो गए थे वो मंदिर अलग था, और ये देख सकते हो ये गेट शिव नारायण मंदिर। सो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी मैं आप लोगों को जो है दर्शन कराता हूँ। 1 2 3 फाइनली ये देख सकते हो यही है मंदिर, यहाँ पर ही हुआ था हमारे माता पार्वती और शिव भगवान का शादी, यही मंदिर पे देख रहे हो। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर ही हुआ था हमारे माता पार्वती और शिव भगवान का फेर लिया था, यहाँ पर शादी हुआ था। देखो आज मैं वहाँ पर देवभूमि में आके तो फाइनली अंदर भी जाके मैंने पूरा अच्छे तरीके से दर्शन कर लिया, और आप लोग भी देख सकते हो मंदिर। बाकी मैंने आप लोगों को दिखा दिया जहाँ पर शादी हुआ था, अंदर तो बस मूर्ति है और बाकी अंदर पूजा करके आ गया। पूरा अंदर तो नहीं दिखा सकता, शायद दिखा सकता हूँ लेकिन मैं मुझे दिखाने का मन नहीं किया, इसके कारण मैंने नहीं दिखाया। और ये देख सकते हो यही है वो मंदिर जहाँ पर माता पार्वती और शिव भगवान का शादी हुआ था। अभी तो मैं हूँ देवभूमि पे, और मैंने कहाँ पर शादी हुआ था मैंने तो वो आप लोगों को दिखा दिया। और ये देखो आप लोग भी दर्शन कर लो। देखा ना मैं बोल रहा हूँ, मुझे मतलब मैं इस मंदिर पे आने का कोई भी प्लान नहीं था, तो मुझे माता पार्वती और शिव भगवान ने मुझे यहाँ पर भी बुला लिया। ऐसा मैं मतलब आप लोग सोचो कि मैं जहाँ जाना नहीं चाहता ना, जहाँ पर भगवान नहीं रहता वहाँ पर मुझे बुला लेते, कैसे ना कैसे करके भी बुला लेते। इसके कारण भगवान को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और भगवान भी मुझे दर्शन के लिए हमेशा बुला लेते। दर्शन तो पूरा हो चुका है, और आप लोग कॉमेंट पर अपना जीवन साथी का नाम लिख के जाना जिसके साथ आप लोग पूरा जीवन कटाना चाहते हो, पूरा सातों जन्म कटाना चाहते हो। मैं दुआ करूंगा कि आपका जो आशा है मनोकामना है वो पूरी हो। सो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, दर्शन हो गया अच्छे से। चलो आज है मेरे घर से निकले हुए 38 नंबर दिन, 1 महीना 8 दिन हो चुका है मेरे घर से निकले हुए, और आज मैंने दर्शन कर लिया त्रिजी नारायण मंदिर जहाँ पर हमारे माता पार्वती और शिव भगवान का दर्शन हो। सो फाइनली यस, सो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, एंड नीचे जाके अगर टाइम रहता है तो मैं निकल जाऊँगा, देखते हैं क्या होता है। ये देखो पूरा कैसा हालत हो चुका है, वहां से देख सकते हो, वहां से जो है शुरू होता है पैदल यात्रा। यहाँ से देखो यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है लेकिन अभी यात्रा चालू नहीं हुआ। ये देखो उधर भी पुल बन रहा है, देख सकते हो यहाँ से पूरा पैदल जाते हैं, और उधर से होके उधर, और वो देख सकते हो ना वो रास्ता टूट चुका था, अभी तो बन चुका है। अगर ऐसे ही धूप रहा तो और 5-6 दिन में खुल जाएगा। देख सकते हो उधर रास्ता तो बन चुका है, अगर बारिश हुआ तो नहीं खुलेगा, फिर से उधर ब्लॉक हो जाएगा। और अभी इधर एक देख सकते हो ब्रिज बन रहा है, और अभी सारे लोग इधर काम कर रहे हैं।
उधर देखो कितना उधर तोड़ के गया है, देख रहे हो। ओ भाई, और ये देख सकते हो ये भैया हमको ऊपर से लेके आए अपने गाड़ी में। थैंक यू सो मच भैया। ये देखो वो रास्ता, अभी काफी बन चुका है रास्ता भाई, देख सकते हो रास्ता बनाने के लिए पूरा जोरों शोरों से काम चल रहा है। इधर देख सकते हो ये है रास्ता, यहाँ जो टूटा हुआ था ना, ये देखो उधर पूरा टूटा हुआ है ना, और उधर ऊपर से शायद बना रहे रास्ता। देख सकते हो यहाँ से पूरा घर वर सब कुछ बहा के लेके गया था, देख रहे हो। जहाँ तक लगता है उधर से रास्ता शायद टूटा हुआ है, तो इधर से ब्रिज से इधर पहाड़ के इधर से होके लेके जाएंगे शायद, मुझे नहीं पता। अभी तो मैं यहाँ पर रह भी नहीं रहा हूँ और लोकल भी नहीं हूँ, तो मुझे रास्ते के बारे में नहीं पता, और कभी भी मैंने केदारनाथ का ट्रैक नहीं किया, इसके कारण मुझे कुछ भी नहीं पता। बाकी इधर तो उधर रास्ता मतलब वो बन चुका है, अगर ऐसे ही धूप रहेगा तो पैदल यात्रा शायद खुल जाएगा। अभी तो खुलने नहीं वाला, अभी आप लोग सोचो कि 10-15 दिन लगेंगे ऐसे अभी खुलने में, अगर धूप रहा तो। बारिश हुआ तो भाई आशा छोड़ दो, खुलेगा ही नहीं बारिश होगा तो। सो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे, और अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, और काफ़ी टाइम लेट हो चुका है, सो आज मैं जाऊँगा गुप्तकाशी तक। और ये है मेरा भाई, मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई, आप इधर रह रहे हो, नेपाल से आए हो, मतलब अभी मैं तो विदाउट मनी ट्रेवल कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर सकता, नहीं तो मैं कर देता। अभी मेरे पास कैश नहीं है और आपका अकाउंट नहीं चलेगा, नहीं तो मैं कर देता। थैंक यू सो मच, बस ये रख लो। हाँ, इससे कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, आप और भी हेल्प कर लेता, लेकिन अभी मैं भी वही इसी में आपके जैसा। चलो आपका जल्दी से दर्शन हो जाए बस। थैंक यू दाई, चलता हूँ। अभी देखो थोड़ी देर पहले पूरा धूप था ना, अभी पूरा मौसम चेंज हो गया, अभी बारिश होगा। ये देखो, और आज तो मुझे जल्दी भी पहुँचना है, बारिश हो गया तो मेरा पूरा टाइम खा देगा, तो बारिश के पहले मुझे पहुँचना पड़ेगा। चलो भैया के वहाँ पर मैं आ चुका हूँ आकर, ये देख सकते हो पूरा साइकिल पर मैंने सारा सामान लोड कर दिया। चलता हूँ भैया, थैंक यू सो मच इतना सब कुछ करने के लिए, थैंक यू, बाय बाय। सो अभी चलो चलते हैं। तो फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ, ये देख सकते हो जहाँ पर मैं पहले रुका था ना मंदिर पे, आज यहाँ पर आ चुका हूँ। आज तो यहाँ पर बिजली भी है, सो अच्छा है। चलो आज यहाँ पर स्टे करूँगा और कल सुबह निकल जाऊँगा। ओम नमः शिवाय। अभी हमको यहाँ पर देख सकते हो ये मिल चुका है, खिचड़ी और साथ में ये अभी मस्त खाएंगे। सो अभी खाना पीना भी मस्त हो चुका है, आज तो पूरा पनीर का सब्जी था, पूरा इतना टेस्टी खाना था आज तो, साथ में खीर भी था। सो इस वीडियो को करते ही पे एंड, आई होप आपको पसंद है, क्या करना बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ में प्यार सा कमेंट करने। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।